दुख ये होता है, कहां है अबू हसीम आजमी, कहां है असलम शेख, कहां है नसीम खान, नवाब मलिक तो जेल में, कहां है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहां है समाजवादी के कार्यकर्ता। एमआईएम तो घूल है, एमआईएम सिर्फ इलेक्शन में आती है, हैदराबाद की बिरयानी आती है, बकबक बकबक करती है और हैदराबाद फिर चले जाती है। बकरीद आ रही है और बकरीद के दौरान बकरियों की कालाबाजारी और चोरी बढ़ जाती है एंड सब के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। महाराष्ट्र की देवनार बकरा मंडी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है, किंतु इस बार देवनार की हालत खराब है। बकरा पशुओं को सुविधा नहीं है, जिसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ा है। खरीदार नहीं है, विक्रेता को बेचना भी महंगा पड़ रहा है। ऐसे हालात में बकरा व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। देवनार बकरा मंडी के हालात पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने देवनार बकरा मंडी के हालात को व्यापारियों के खौफ के हालात से जोड़ा है। पिछले दफे से इस दफा देवनार का बिल्कुल इंतजाम ठीक नहीं है। जिस तरीके से शेड का इंतजाम होना चाहिए था, बकरे का चारा पानी का इंतजाम होना चाहिए था, बकरे को रखने का इंतजाम होना चाहिए था, कई बकरे बीमार पड़ रहे, बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आते हैं बकरे बेचने के लिए, उनका इंतजाम होना चाहिए था, टॉयलेट का इंतजाम होना चाहिए था। और खास तौर पर जिस तरीके से चोरी होती है, बकरे को लूटपाट होती है, जो वहां पे जो क्रिमिनल्स अंदर घूमते ट्रैप लगाते व्यापारी को लूटने का जो काम करते, आज व्यापारी बड़े खौफजदा है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने देवनार बकरा मंडी के खराब हालत का जिम्मा पहले तो महाविकास अघाड़ी के मुस्लिम नेताओं पर फोड़ा है। हाजी ने कहा कि बीएमसी महापौर इसका जवाब दे। मैं मुंबई महानगर पालिका को 100% फेलियर मानूंगा, क्योंकि इस वक्त पे कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं आया, क्योंकि उसका कारण भी है रहा कि ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी जा रही है, ये पार्टी टूट रही है, सरकार बन रही है, सरकार गिर रही है, मुख्यमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री जा रहे, इसमें बिजी रहे। इसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, खासतौर पर मुस्लिम समाज का नुकसान हो गया। दुख ये होता है, कहां है अबू हसीम आजमी, कहां है असलम शेख, कहां है नसीम खान, नवाब मलिक तो जेल में, तो ये सारे लोग चुप है। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, जेल में क्या आपका मुंह बंद है? आप तो प्रवक्ता थे, आपके लोग क्यों नहीं बोल रहे, आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहे? कहां है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहां है समाजवादी के कार्यकर्ता? एमआईएम तो घूल है, एमआईएम सिर्फ इलेक्शन में आती है, हैदराबाद की बिरयानी आती है, बकबक बकबक करती है और हैदराबाद फिर चले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहा है। अब बात आती है बाकी की पार्टियों की, जैसा शिवसेना के बारे में बात करते हैं, फिर बीजेपी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये कहते हैं ये हिंदूवादी पार्टी है, जब कहते अच्छा करते तो बोले हिंदूवादी पार्टी है, और जो मुसलमान पार्टी वो चुप है, दुम दबा के बैठे हैं। मुंबई की देवनार मंडी देश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है। जितने बकरे की खपत यहाँ पर है, उतने बकरे यहाँ तो होते नहीं, इसीलिए राजस्थान यूपी जैसे कई जगह से लोग यहाँ आते हैं। अभी भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस आने ही नहीं दे रही है। बकरा पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे छोटे किसानों से लेकर बड़े किसान जुड़े हुए हैं। देश में 3.301 करोड़ लोग बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। भारत बकरे के मांस का दुनिया की सबसे बड़ा निर्यात देश है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2018-19 में 18,425 मेट्रिक टन मांस का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 790.65 करोड़ रुपए थे। भारत यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों को मांस निर्यात करता है। भारत देश में बकरी पालन में नंबर एक पर राजस्थान, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी देवनार में अब लोगों के लिए बकरा खरीदना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो बकरा विक्रेता हैं वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर देवनार में किसी प्रकार की कोई सुविधा अब नहीं मिल रही है, और ऐसे में जो ख़रीदार हैं वो अब बकरे ज़्यादा नहीं खरीद पा रहे हैं, और ऐसे में जो है कई तौर पर अगर देखें तो कई राजनीतिक पार्टियों ने भी जो है इस पूरे देवनार के हालात को लेकर जो है महापौर और बीएमसी को भी इसका जिम्मा ठहराया है।
ऐसे में अगर देखें तो जो बकरा विक्रेता हैं उनकी हालत और उनकी परिस्थिति कहीं ना कहीं दो सालों से ख़राब थी, और इन सब के बीच अगर इस बार भी बकरी ईद के दिन अगर बकरे नहीं बिके तो ऐसे में उनका क्या होगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कई राज्यों से जब देवनार में लोग अपने बकरे बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उन्हें यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती, बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया जाता है कई कारणों की वजह से। इन्हीं वजहों से भी उनकी बकरे विक्रेता बकरा नहीं बेच पाते। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।